डॉक्टर रवि मलिक, उत्तराखंड के एक जिले में एक दो नहीं बल्कि 80 टीचर कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं, यानी कि वो फैकल्टी जिसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने स्कूल में एसओपी का पालन करे, बच्चों को कोरोना ना हो जाए इसका ध्यान रखे, सैनिटाइजेशन की पूरी प्रक्रिया को मॉनिटर करे, वो तो खुद कोरोना पॉजिटिव बैठे हुए हैं। देखिए, दो तीन चीजें बतानी बड़ी आवश्यक है इस वक्त। मैं एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट, एज ए पीडियाट्रिशियन मैं बताना चाहूंगा कि बच्चों को प्रोटेक्टेड रखना बड़ा जरूरी है। हमारे को बैलेंस करना पड़ेगा वेदर लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट और एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट। इस वक्त हम जिस दौर से चल रहे हैं, जिस तरह से दिल्ली के अंदर भी अगर आप देखें तो आंकड़े काफी ज्यादा, 24 घंटे में 131 लोगों की जान गई है, तो हमारे को थोड़ा केयरफुली चलना जरूरी है, खासकर आने वाले 2 महीने के लिए। 2 महीने के अंदर सर्दियां भी आएंगी, सर्दियों के अंदर भी ये वायरस का प्रकोप थोड़ा बढ़ने की अंदेशा ज्यादा है क्योंकि रेस्पिरेटरी वायरस है, साथ में स्मॉग भी बनेगी। और ये सब चीजें मैं आपको बता दूं कि स्कूलों के बारे में मैं आपको एक चीज बता दूं, स्कूल एक बहुत बड़ा ब्रीडिंग ग्राउंड होते हैं इलनेस के लिए। अक्सर देखा गया एक बच्चे को चिकन पॉक्स हुआ, क्लास में गया तो उसने आधे बच्चों को चिकन पॉक्स ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि स्कूलों के अंदर उस तरह के प्रिकॉशंस कई बार लेना संभव नहीं होता। एक बच्चे नहीं समझ पाते उतना, टीचर्स उतना मॉनिटर नहीं कर पाती और शायद उतनी सुविधाएं भी नहीं होती। सबसे पहले तो हर के स्कूलों को 2 भागों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो कोविड कंपेटिबल स्कूल्स कौन से हैं, क्या वहां पर वो सुविधाएं हैं कि ये कोविड से अपना बचाव भी कर पाएंगे नहीं करेंगे, जहां पे बेसिक सुविधाएं नहीं है वहां पर वो किस तरह से कर पाएंगे। जैसे स्वाति जी ने भी बड़ा अच्छी चीज बताई है कि वी हैव टू सी कि क्या वो स्कूल संपन्न है अपने इन सर, लेकिन देखेगा कौन कौन। डॉक्टर रवि मलिक, ये वो नसीहत है जिनका जिला प्रशासन को, स्कूल की प्रबंधन समिति को पालन करना चाहिए, तभी इस तरीके के हालात सुधर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर हैं, कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक, जिनको पता है कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं, क्या कुछ सलाह उनके लिए? देखिए, सबसे बड़ी सलाह तो बच्चों बड़ी जल्दी हेल्थ एजुकेशन को पकड़ते हैं। बच्चों को तो हमारे को एजुकेट करना ही चाहिए 3 पॉइंट्स के ऊपर। सोशल डिस्टेंसिंग क्या होती है, उसका पालन करना क्या जरूरी है, मास्क ना केवल पहनना जरूरी है लेकिन किस तरह से मास्क को पहनना है, किस तरह से उतारना है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट विधि है। मैंने देखा है कि अक्सर बच्चे जो मास्क पहनते हैं वो नाक को कवर नहीं करेंगे, मास्क की बॉडी से ही उसको छेड़ते रहेंगे, उसके साथ खेलते रहेंगे। मास्क एक बड़ी खतरनाक चीज है, उसको किस तरह से पहनना है, कैसे यूज करना बड़ा जरूरी है, और हैंड हाइजीन का पालन करना बड़ा जरूरी है। ठीक है, ये सब चीजें होने के बावजूद उनके ऊपर मॉनिटरिंग होनी बड़ी जरूरी है। बिल्कुल, तो छात्र